डेस्टिनी डिक्लेयर किया है और क्या जो है डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है, तो किस तरह देखते हैं और किस तरह इसको और डेवलप किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल एक पर्यटक राज्य है जो पूरे विश्व के मानचित्र में भी दर्शाया जाता है। जी सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट के का दर्जा दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ रोज़गार के अवसर हमारे जो युवा हैं उनको मिल सकते हैं, और जो आर्थिकी इलाके की है वो टूरिज़्म से बहुत बढ़ती है। और जब ऐसा कांगड़ा में होने जा रहा है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को इसमें कवर किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ जो टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, इससे रोज़गार तो बढ़ेगा ही, आय के साधन लोगों के बढ़ेंगे, आर्थिकी और ज़्यादा सुदृढ़ होगी। और मैं ये समझता हूँ कि कांगड़ा में अपार हमारे पास पोटेंशियल है कांगड़ा ज़िले में, जिसके अंदर चाहे वो चाय बागान से लेकर मैदानी इलाके हैं, चाहे छोटे हिल्स हैं, चाहे ट्रैकिंग रूट्स हैं, चाहे आपके झीलें हैं, पोंग डैम का क्षेत्र फतेहपुर में है, ये अगर ये सब कुछ डेवलप हो जाता है तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक योगदान सरकार का हमारे युवाओं के जीवन में होगा। और इसके लिए मैं उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कांगड़ा ज़िले को इसके इसके लिए ठीक समझा और वहाँ पे टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट के दर्जा दिया। पालमपुर की अगर बात करें, पालमपुर में जिस तरह चाय बागान है उस वहाँ पर टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए कोई किस तरह की योजना रहेगी और क्या वहाँ पर यानी इस अगर अभी देखा जाए आपको लगता है कि अभी डेवलपमेंट करने की या उसकी वो कर पब्लिसिटी करने की जरूरत है ज़्यादा? बिल्कुल, देखिए टूरिज्म की दृष्टि से अगर पालमपुर की अगर आप बात करें तो पालमपुर में को चाय की नगरी से भी जाना जाता है और के नाम से भी जाना जाता है, और चाय एक बहुत बड़ा आकर्षण है टूरिस्ट के लिए, और उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और चाहे वो टी टेस्टिंग यूनिट्स हों, चाहे ब्यूटिफिकेशन आपकी टाउन की ब्यूटिफिकेशन है, क्योंकि जहाँ पर भी टूरिस्ट आएगा वो ऐसी जगह पर आना पसंद नहीं करता जहाँ पर कहीं गंदा माहौल हो या गंदगी फैली हो, तो उसके लिए ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन है, उसके लिए भी हम लोग पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या जो पार्किंग की समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 पार्किंग्स की अनाउंसमेंट की थी, जिसके लिए बहुत जल्द बजट का भी प्रावधान हो जाएगा और पालमपुर में 2 बड़ी पार्किंग्स का वहाँ पर काम हो रहा है। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर एक दृष्टि से पालमपुर को सुधारा जाएगा और इसमें और ज़्यादा टूरिस्ट इनफ्लो हो, उसके लिए हम लोग काम करते जाएंगे। और पालमपुर में जैसा मैंने कहा कि चाय की नगरी से भी जाना जाता है, लेकिन साथ में वीरों की भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। 3 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें 2 परमवीर चक्र और 1 अशोक चक्र जो पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, वो पालमपुर को गौरवान्वित करते हैं। और इसके अलावा चाहे हमारे बहुत सारे अफसर और सैनिक ऐसे शहीद हुए जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, वो पालमपुर से संबंध रखते हैं, तो उनके हम लोग ये भी इस तरफ भी हमारी सोच है कि एक उनकी स्मृति के लिए हम लोग एक वॉर म्यूज़ियम या एक वॉर मेमोरियल का वहाँ करें, जो कि एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन भी होगी और साथ में हमारे युवाओं को मोटिवेट भी करेगा। सर वहीं अगर बात करें, शिक्षा विभाग भी आपके पास है और जिस तरह से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स की अगर बात की जाए तो अधिकतर जो नोटिफिकेशन 16 स्कूलों के उससे उसमें से जो है वो ज़्यादातर जो है वो कांगड़ा जिला में मिला है, क्या कहना है? जी मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कांगड़ा को एक बार फिर से बहुत तवज्जो दिया है। और 16 में से 8 डे बोर्डिंग स्कूल जो हैं वो कांगड़ा में अनाउंस हो चुके हैं, उनके लिए बजट सैंक्शन हो चुका है, एनडीएस आ चुकी है और जल्दी इनके ऊपर भी काम आपका शुरू होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पे पूरे हिमाचल में ही ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डे बोर्डिंग स्कूल होना है, लेकिन जहाँ पर लैंड्स चिन्हित कर ली गई, जहाँ पर लैंड्स ट्रांसफ़र हो गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उनको इनिशियली ये 16 जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज उसमें ये काम होना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द ये काम लग जाएगा। और शिक्षा का जहाँ तक सवाल है,
ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है ये न केवल किताबी शिक्षा हमारे बच्चों को प्रदान करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होंगी, खेलकूद भी वहीं होगी, और साथ में जब बच्चा आए उसको एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप, एक सेंस ऑफ ऐसा ऐसी सेंस होनी चाहिए कि वो अपने घर से जब सुबह आए तो वो शाम को घर पर लौटे, अपने सारा काम, अपना चाहे वो होमवर्क है चाहे खेलकूद है, वो सब कुछ वो स्कूल में ही कर कर जाए, एक पौष्टिक आहार उन बच्चों को वहाँ पर मिले ताकि उनका उनकी सेहत भी अच्छी रहे। इस दृष्टि से हम लोग ने ये काम किया है, और साथ में जब वो घर पहुँचे ये डे बोर्डिंग स्कूल के बाद, तो सिर्फ अपने माँ बाप का लाड, अपने माँ बाप का प्यार लेने वहाँ पर पहुँचे, ऐसा ऐसी हमारी सोच है। और सब काम जो है स्कूल में, एक बार स्कूल में अंदर आ जाए और उसके बाद स्कूल का पूरा काम खत्म करके, चाहे वो खेल कूद का है चाहे पढ़ाई लिखाई का है, वहीं पर वो खत्म कर कर आगे अपने घर जाए, ऐसी सोच से ये डे बोर्डिंग स्कूल्स बन रहे हैं। सर, चुनावी वर्ष है, अब लोकसभा के चुनाव भी आने हैं, लगातार कांग्रेस जो है वो उपचुनावों से अगर जिक्र किया जाए तो तब से जो है वो जीत हासिल करते आ रही है, और अगर बात करें कांगड़ा जो है वो एक प्रोमिनेंट जो है डिस्ट्रिक्ट भी है, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी और कितनी तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव? देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है, सबसे पहली बात यह है, और कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, जैसा पहले से कांग्रेस पार्टी को जाना जाता है कि जो भी वादा कांग्रेस पार्टी करती है उसको निभाती भी है, तो जो हमारी गारंटियां हैं हम उस पर भी काम करना हमने शुरू कर दिया है। और जनता ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी अगर वादा उनके साथ करेगी तो उसको पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से समर्थ है, और इसी को लेते हुए हम चुनावों में जो डेवलपमेंट, हालांकि आर्थिक बदहाली पूरे प्रदेश की पिछली सरकार कर कर गई है, और उसके बावजूद हम लोगों ने, चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल्स के जरिए हो, चाहे टूरिज्म कैपिटल के जरिए हो, और चाहे बाकी भी जितनी भी हमारे सेक्टर्स हैं उसमें हमने काम करने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उस काम पे भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जैसा आपने कहा कि बाई इलेक्शन से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं और हमें उनका बेनिफिट मिला है, ये क्रम जारी रहेगा। लोकसभा में भी चारों की चारों सीटें, न केवल कांगड़ा लोकसभा लेकिन जो बाकी 3 सीटें भी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होंगी। सर, अगर बात कीजिए पिछली सरकार ने जो कर्ज वर्तमान सरकार के ऊपर छोड़ा है, और अगर वही वर्तमान में जो अपोजिशन में उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं अपनी गारंटीज को पूरा करने के लिए वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार लो